बंद कर दे ये बकवास, मैं तंग आ गई हूँ। आप इसे बकवास कह रही है? वहाँ शहर में वाह वाह हो रही है, नौ पतंगे काटिए मेरे नौशेरवा ने, और ऐसे ऐसे उस्तादों को उंगलियों पे नचाया है दादी जान कि अगर आपके सामने नाम गिंदू ना तो आप दांत ने उंगली दबा ले। नवाब छुट्टन, अबे खुदा करे नाम ना गिनवाना, मैं बगैर नाम सुने ही दांतों में उंगली दबा ले। दादी जान जब तक आप नाम नहीं सुनेंगी, बस नौशेरवा। हेलो, मैं अहमद बोल रहा हूँ। हाँ अहमद, क्या हाल है? यार मैं तुम्हें बुलाने वाला था। क्यों? तुम्हारी मुलाकात नौशेरवा से करवानी थी। यार मैं नहीं आ सकता, मुझे सुबह एयरपोर्ट जाना है और मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, तुम आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा सुबह। बता दादी जान, अहमद का फोन था, सुबह 6 बजे उसे एयरपोर्ट पे छोड़ना है। आप नमाज के लिए सुबह उठती हैं इसलिए आप मुझे उठा देना, क्योंकि इस घर में कोई भी सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठता। हाँ तो मैं कह रहा था कि इस नौशेरवा ने बोला था खुदा के वास्ते नौशेरवा, ये बकवास बंद कर दे, अगर फिर तूने शुरू की ना मैंने सुबह कोई नहीं उठा। दादी जान अगर आप सुन लेती तो बहुत ही अच्छा था। अब सुन लूंगी फिर कभी। अच्छा जा खुदा के। अच्छा था नौशेरवा। आदाब भाभी, नैन तैयार है, जल्दी से बुलाइए। तुम बैठो तो सही, बैठने का वक्त नहीं, जहाज मिस हो जाएगा। तुम्हें जहाज में सोने का डर होता तो जरा वक्त से पहले आ जाते। घबराने की बात नहीं, आपके शोहर को 5 मिनट एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। तुम्हारी इत्तला के लिए आज है कि वो जा चुके हैं। तो फिर मेरे साथ क्यों वादा करा जा रहा? इसलिए कि जहाज 6 बजे जाते हैं और आप जनाब 6:30 बजे आए हैं। ये तो कम वक्त 6:45 पे अटक। बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। सच कह रहा हूँ भाभी, रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ये गप्पे तुम अपने दोस्त से लड़ाना, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय। नहीं 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 भाभी, मुझे बड़ा दूरी काम जाना, मैं फिर आऊंगा। ठहरो, तुम्हारी सजा ये है, तुम स्कूल छोड़ने मेरी बेटी को जाओ। क्या दरअसल भाभी बड़े जोर की नींद आ रही है, मुन्नी को आप खुद ही छोड़ाइए। भाई मान, 2 मिनट की तो बात है, मुन्नी को स्कूल छोड़ के घर चले जाना, जल्दी करो मुन्नी बेटी। जीतिरा बेटी, अभी अब मैं चलूं? बकवास नहीं करो, चलो बेटी, तुम्हारे अंकल तुम्हें स्कूल में ड्रॉप कर देंगे। बड़ा मजा आएगा, आइसक्रीम भी खिलाएंगे ना अंकल? हाँ बेटी खिलाऊंगा, मजबूरी जो है। आओ मैं चलूं। सुनिए, आप जहाँ पढ़ती हैं? जी नहीं, पढ़ती नहीं, पढ़ाती हूँ। आपको कोई एतराज है? तौबा कीजिए, मुझे क्या एतराज हो सकता है, बल्कि मैं तो दिल चाह रहा है कि फिर से बच्चा बनकर कायदा उठाकर आपके स्कूल में दाखिला ले। इसीलिए तो आप ऐसी हरकतें करते हैं। वैसे तो मैं बीए पास हूँ आपके पास, लेकिन आप जिस उस्तादी से पढ़ने में दिल चाह रहा है दाखिला दिलवा दीजिए। आपको यहाँ तो दाखिला नहीं मिल सकता। फिर? हाँ पागलखाने में दाखिला लीजिए। भाई नहीं फौजिया, नॉट टुडे, मेक इट सम टाइम्स अगेन। ओके बड़ा। हेलो सलमान बेटे, क्या हाल है भाई? किन हंगामों में मसरूफ हो आजकल, एक छत के नीचे रहते हुए 2 दिन के बाद देखा है तुम्हें। ये शिकायत तो मुझे होनी चाहिए आपसे, शायद ये कुछ बड़े घरों में होता है। और सुनाइए आपकी सोशल एक्टिविटीज का क्या हाल? फाइन, सुनाओ तुम शाम को क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, लेकिन आपके साथ क्लब में जाऊंगा। अच्छा खुदा हाफिज। जीवे जमानी बाबा
को पहन कर आदमी थोड़ी देर के लिए तूफान दूर बन जाते हैं, है कि नहीं? मगर बकवास बंद। पहली बात तो ये है कि सूट लंडे का नहीं है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि अगर लंडे का है भी तो इसमें क्या हर्ज है? जनाब आजकल तो बड़े बड़े अमीर आदमी वहाँ जाके खरीदारी करते हैं। पर कितना है मेरा? हम आगे बढ़ते हैं तो होते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हाँ ठीक है, तूने किसी अमीर आदमी से कहो ना कि ये सूट अच्छा है तो कहेगा आहा मेरी कंकल है पेरिस में, उन्होंने भेजा। अरे भैया हमारे माता में मशहूर है और उसे बेचारा नाश्ता हमारा रास्ता देख रहा है। नाश्ते की छोड़, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। अपने समझदार बहन से पूछो। बात सुन, जूते मेरे तू पॉलिश करती है। हाँ। नाश्ता मेरा तू बनाती है। बिल्कुल। कपड़ों पे मेरे स्त्री तू करती है। बेशक। बुआ को तनख्वाह में किस बात की दे रहा हूँ? ये सवाल तुम पहले भी कर चुके हो भैया, आखिर तुम्हें मेरे काम करने पर एतराज क्या है? देख तारा, मैं तुझे कदम कदम से सुखी देखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी खिदमत करके बहुत सुख मिलता है भैया, है कि नहीं? देख, मैं तेरे खिदमत का आदी नहीं होना चाहता। क्यों? बहने होती है पराया सर, कल को तू अपने ससुराल चली जाएगी, मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी भैया, है कि नहीं? अरे तेरे तो अच्छे भी जाएंगे। मेरे दिल में एक ही तो अरमान है कि तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाऊं, तेरे माथे पे झूमर से जाऊं, बात तो सुन, तेरा भाई, तेरा बाप, तेरा बाबू, मैं सब कुछ हूं। मैं तुम पर जितना विनाश करूं कम है भैया, मेरी बात तो मानो, शादी कर डालो। जरूर करूंगा, लेकिन तेरे बात है कि नहीं कि अच्छी? दवाई पी लो मम्मी। अच्छा। बेटी, डॉक्टर सफदर नहीं आए, वो किसी मरीज को देखने गए हैं मम्मी, दूसरे किसी डॉक्टर को इसलिए नहीं लाई के। मैं समझती हूँ बेटी, अच्छा किया तुमने। किस कदर बेबसी है कि हम जैसा गरीब अगर वक्त आ पड़े तो एक डॉक्टर भी मुहैया नहीं कर सकता। देखकर तो हमें खुशी होती है कि हम जैसा भी कोई है। आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? हेलो फातिया। हेलो सायरा। तो ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आखिर तुम्हें अपना मोटापा कम करने का ख्याल तो आया। मैं तो अभी अभी तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। एक्सरसाइज करते हुए सोचते नहीं? वाकई मैं तो बहुत सोचा करती हूँ, कभी कभी तो मैं ख्वाब देखने लगती हूँ कि जैसे मैं बहुत ही स्लिम हो गई हूँ और मेरा वजन पता है 110 पाउंड हो गया है। मेरी जान, बदन पे चर्बी चढ़ जाए तो उसे कम करने के लिए बहुत से जतन करने पड़ते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज से वेट कम नहीं होता। तुम्हारा मोटापा? खुदा के लिए अब मेरे मोटापे पे शुरू मत हो जाना, मैं तो पहले इससे बेजार हूँ। अच्छा बेगम साहिबा, अब बोर मत कीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए, वहाँ जिमखाने में हमारा इंतजार हो रहा है। चलते हैं, जरा किरण आ जाए, आज उसे भी इंतजार करूँगी। मस्ती में सारा जहां।
टेलीग्राम देके वापस बुलवा लेते। देखो यार सलमान, इस केस में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये इश्क जो है ये बड़ी जालिम किस्म की बीमारी है। मेरा तो मशवरा ये है कि तुम अपना तीर नजर वापस ही ले लो तो अच्छा है। यार सहला खुशबू बनते मेरे सांसों में से बाहर। अगर मैं इसके प्यार को दिल से बुलाना भी चाहूँ तो बुला। अरे यार इतनी जल्दी तो बुखार नहीं होता और तुम कहते हो तुम्हें उससे प्यार हो गया। यार मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और इस सिलसिले में शायद अब हम क्या साजिश हो रही है मेरे खिलाफ? तो तुम्हारे खिलाफ क्या हमने बम बनाना? अरे भाई सलमान की तो सुनो, ये तुम्हारी मुन्नी है ना छोटी, उनकी टीचर साहबा से इश्क फरमाने लगे। तो कोई बंदोबस्त करो वरना पागल हो जाएगा। बाकी हाँ भाभी, अगर आप मुझे शादी सामने से करवा दो तो मैं आपके साथ जिंदगी शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती, मगर तुमने सारा काम ही खराब कर दिया। क्या मतलब? मैं कल मुन्नी के स्कूल गई तो तुम्हारी कारगुजारी को पता चला। जानते हो प्रिंसिपल ने सहमक स्कूल से निकाल दिया, जिसकी वजह तुम हो। वो कैसे? खुदा जाने तुम वहाँ जाकर क्या करते रहे हो, जिसका सारा इल्जाम बेचारी सहमा पर आया और उसको उसकी छुट्टी हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे बेटी रो क्यों रही है, नौकरी छूट गई तो क्या हुआ? मैं तो खुद चाहती थी कि तू नौकरी ना करे। अभी तेरी माँ जिंदा है, घबरा नहीं। लेकिन अम्मी अब क्या होगा? अल्लाह मालिक है, उसने रिस्क देने का वादा किया है, जरूर देगा। सलमान, ए सलमान बेटे, क्या बात है, क्या सोचता है? कुछ नहीं दादी जान,
तबीयत तो ठीक है ना? खुदा का शुक्र है, जिसे आपकी मोहब्बत भरी दुआएं नसीब हो, भला उसे क्या हो सकता है। अच्छा अच्छा, मुझे बातों से ना बहला, सच सच पता ये बिगड़ी हुई शक्ल क्यों है? जब आपने मेरे दिल का चोर पकड़ ही लिया, छुपाने से क्या फायदा। बात असल ये दादी जान, कि मेरी बातों से मेरे एक दोस्त का दिल टूटा है और मैं पछता रहा हूँ। इसमें पछताने की क्या बात है बेटा, जाकर उससे माफी मांग ले। मैंने बड़ी कोशिश की मगर वो नहीं माना। जी पगला कहीं का, किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है बेटा, और तुमने एक बार दिल दुखाया है ना, 100 बार भी माफी मांगेगा तो भी उसका गुफार अदा नहीं होगा जब तक वो खुद तुझे माफ ना करते। आप ठीक कहती हैं दादी जान, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। जब तुम मुझे माफ कर दोगी तो हमारी दोस्ती हो जाएगी, तो फिर ये मुलाकातें होंगी, फिर ये मुलाकातें हमारी मोहब्बतें बदल जाएंगी, और जब तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगी तो हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है। दिमाग खराब हो गया है मगर ये हकीकत है। क्या? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी हाँ करना चाहता हूँ, बोलो क्या राय है तुम्हारी हो। मैं आज तुम पे मरना चाहता हूँ, मैं आज तुम पे हाँ मरना चाहता हूँ, बोलो क्या राय है तुम्हारी हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अपने दिल की हर धड़कन में मेरा प्यार छुपा लो, अपने दिल की हर धड़कन में मेरा प्यार छुपा लो, मेरे नाम का काजल अपनी इन आँखों में लगा लो,
महकी हवाओं में सुरमई घटाओं में, महकी हवाओं में सुरमई घटाओं में, दिल की सदाओं में अपनी वफाओं में, और तुम्हारी इन शोक अदाओं में रंग खुशी का भरना चाहता हूँ, रंग खुशी का भरना चाहता हूँ। बोलो क्या राय है तुम्हारी, हो मैं तुमसे शादी हाँ करना चाहता हूँ। सुर्ख लबों से जान तमन्ना हाँ कह दो शर्मा के, सुर्ख लबों से जान तमन्ना हाँ कह दो शर्मा के, पल भर मेरी इन बाहों में आ जाओ लहरा के, दिल बहलाऊंगा टुकटुकी बजाऊंगा, दिल बहलाऊंगा टुकटुकी बजाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा। बोलो क्या राय है तुम्हारी, हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बोलो क्या राय है तुम्हारी, हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ताहिरा आओ भैया। देखो भैया अपनी बहन का कमाल, सारे जूते आईने की तरह चमका दिए। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि देखो भैया नसीहत बाद में करना, पहले निकालो 2 रुपए 8 आने। 2 रुपए 8 आने की? नहीं जनाब, मेरे पास 10 रुपए और भी हैं। उस दिन तुम्हारा सूट इस्त्री किया था ना भैया, और तुमने मुझे इनाम भी दिया था, है कि नहीं? हाँ, तो तुझे आज भी इनाम चाहिए? हक तो मेरा बनता है कि नहीं? अच्छा तो तुझे इनाम चाहिए। हाँ। आगे बंद कर जल्दी। लो कर ले। देख तो नहीं रहे ना? बिल्कुल नहीं। खोलना मत। नहीं खोलती। कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा ना तुझे? भैया बिल्कुल भी नहीं। बंद रखना। खोल। अल्लाह तुम कितने अच्छे हो भैया। भैया कभी कभी सोचती हूँ किस्मत वाली बहनों को मिलकर तुम जैसा था। अरे नहीं, मैं तो बड़ा मजबूर इंसान, दर्द बंद होता तो किसी बंगले में शहजादियों की तरह थे। तेरे हाथ में आज की बजाय सोने की चूड़ियां होती। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, तुम्हारा प्यार मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है कि नहीं भैया? बोलो ना। जो मोहब्बत तुम्हें उंगली थाम के यहाँ ले आई है, हो सकता है वो महज जज्बाती हो। मुझे गलत ना समझे खाला जान, मैंने हर कीमत पर साइमा को अपनाने का फैसला कर लिया है। ये सिर्फ तुम्हारा फैसला है, तुम्हारे अकेले आना इस बात का सबूत है कि इसमें तुम्हारे वालदैन की रजा शामिल नहीं है। मैं इस हकीकत को झुठलाने की कोशिश नहीं कर सकता खाला जान, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरी मोहब्बत को मेरी गरीबी के तराजू पे ना तोलिए। साइमा की शराफत और सादगी ने मुझे ये मजबूर कर दिया है कि मेरे लिए साइमा से बेतशरी की हयात कोई और नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन ये फैसला बुजुर्गों की मौजूदगी में तय होना चाहिए, ये शर्त नहीं, मेरी ख्वाहिश है। अच्छा खुदा हाफिज। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा कि जिस लड़की का तूने इंतखाब किया है वो नए जमाने की तितली नहीं बल्कि खालिस मशरकी माहौल की तस्वीर है। मगर
तेरी माँ इस रिश्ते के लिए मानेगी कहाँ? शायद तू नहीं जानता, उसने तुझे बेशुमार जहेज के बस किरण के हाथों फरोख्त कर दिया। अम्मी जान तो जिंदगी को नीलाम खर समझती हैं दादी जान, मगर मैं अपनी आरजू को उनकी भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। मैंने साइमा को अपनाने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है। लेकिन बेटा वो है कौन, बता तो सही। सच बता दूं दादी जान, उसे देखकर यूं लगता है जैसे वो किसी बहुत बाकमाल मुसव्विर का शाहकार है। उससे गुफ्तगु करके यूं महसूस होता है कि वो गालिब की गजल है। तो उसने दीवाना बना रखा है। हाँ दादी जान, अगर आप भी मिलेंगी तो दीवानी हो जाएंगी। तो मैं काहे के लिए मिलूंगी? क्यों? अरे भाई, अगर मैं भी तेरी तरह दीवानी हो गई तो ये घर तो अच्छा खासा पागलखाना बन जाएगा। मैं नहीं जाने की। मगर दादी जान, मैं तो उसकी अम्मी से वादा करके आऊँ, अभी दादी जान को लेकर आ रहा हूँ। दादी जान प्लीज चले ना। अरे भाई क्या बेसब्री है, इंशाल्लाह कल चलेंगे। ये आप क्या कह रही है अम्मी जान, साबा जिंदा है? अरे बेटी, अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। जी तो चाहा उसे अपने साथ ले आती, मगर फिर मैंने सोचा वो तुम्हारी सगी बहन है, ये फर्ज तुम्हें अदा करना चाहिए। क्यों नहीं अम्मी जान, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि साबरे जिंदा है और इसी शहर में है। लेकिन अम्मी जान, आपको उसके घर का पता कैसे चला? दरअसल बेटी, वो सलमान ने मुझे कहा कि उसे सायमा नाम की एक लड़की पसंद आ गई है, उसने जिद की और मैं उसे देखने चली गई। अब जाकर देखती हूँ तो सायमा तुम्हारी सगी बहन की बेटी निकली। अरे सलमान तो घर पर है नहीं, मगर ड्राइवर ने उसका घर देख। आपका घर तो बहुत शानदार है, 12 लाख में खरीदा था। हाय अल्लाह, सजावट भी बड़ी प्यारी है खाला जान। खाला जान नहीं, आंटी कहा करो। ऊंचे घर में आई हो तो यहाँ के एटिकेट भी सीखो। कुछ पढ़ा लिखा भी है? वैसे जाहिल आपकी ये जाहिल आंटी बी ए पास से खाला जान। फिर वही खाला जान, एक मरतबा कहा है आंटी कहा करो। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगी। तुम्हें खुद को इस माहौल में एडजस्ट करना होगा साइमा। ये हाय अल्लाह वाय अल्लाह छोड़ दो, इन लफ्जों से गरीबी की बू आती है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे रिलेटिव गरीब कहें। खुशामदीद खाला जान। खाला जान नहीं, आंटी कहिए सलमान साहब। आप इतने बड़े घराने में रहते हैं, यहाँ के एटिकेट्स नहीं जानते? सलमान, फतलू से कहो सर्वन क्वार्टर की सफाई करा दे। सर्वन क्वार्टर किस लिए? साइमा और साबरा के लिए। गेस्ट रूम खाली नहीं है क्या? गेस्ट रूम तो खाली है, लेकिन अगर मेरा कोई मेहमान आ गया तो? वो सर्वन क्वार्टर में ठहर गया था। नहीं, सर्वन क्वार्टर में ये दोनों रहेंगी, और आइंदा तुम इस सिलसिले में इंटरफेयर करने की कोशिश न करना, समझे? एक बात कहूं मम्मी, हमने यहां आकर अच्छा नहीं किया। ऐसा नहीं सोचते बेटी, हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। ये क्या कम है कि हम अपने में आ गए हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ तुम्हें दिल दे के मैंने अच्छा नहीं किया। चाहो तो ये दिल वापस ले। नहीं जनाब नहीं, हम किसी को दिया हुआ माल उससे वापस नहीं लेते। लेकिन आज इस बात में हुजूर से जरूर पूछूंगी कि जनाब इतने गुमसुम क्यों रहते हैं? तुमने सुना नहीं करण, और भी दुख है जमाने में मां। हुजूर, मोहब्बत हम नहीं खुशी का नाम है, और जिसे ये मिल जाए उसे और क्या चाहिए। बड़े घर की बेटी हो ना किरण, इसलिए तुम्हारा ये सोचना ठीक है। अगर बड़े घर में पैदा हो गई हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ अमान।
शादी करनी ही पड़ेगी। आधा घंटा हो गया तुझसे कोट इस्त्री नहीं हुआ। सिलाओ नहीं, ला रही हूँ। क्या हुआ तुझे? अरे नहीं, ज्यादा बातें मत कर। इसके बाद शहरों मैं तेरे डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर
मुझे पता है कोई ना कोई सीरियस बात जरूर है। डॉक्टर हो लेकिन मेरे दोस्त भी हो, छुपाना मत मुझसे। सिर्फ दोस्त होता तो शायद छुपा भी लेता, मगर डॉक्टर हूँ इसलिए कुछ नहीं छुपाऊंगा। फिलहाल परेशान होने की बात नहीं, मैं ये दवाई दे रहा हूँ, आप इन्हें दे दे ठीक हो जाएगा। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं। इतना शदीद दर्द हुआ क्यों? तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है, वरना मेरे दोस्त मरीज ना हो तो हमारी गाड़ी कैसे चलेगी? हमने मक्खियां मारने के लिए तो क्लिनिक खोल दे रहे थे। डॉक्टर तो तुम बन गए यार, मजाक की आदत नहीं गई तुम्हारी? कॉलेज का कोई पुराना दोस्त मिल जाए तो बहुत सी बातें याद आ जाती है। वैसे यार तुम बहुत कंजूस आते हैं, फीस तो मैं तुमसे लूंगा नहीं, कम से कम एक प्यारी चाय तो पूछ ली होती। अरे सॉरी यार, बुआ चाय बना के ला दे। तो यार अच्छा मैं अब चलता हूँ, जो दवाई लिख के दी है ना वो तो मेरे खिला देना और क्लिनिक आके मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अरे तुम जाग गई हो, मैंने तो तुम्हें इतना इंजेक्शन दिया था, अब दस तो नहीं होते? जी नहीं। ओ गुड, अच्छा मां मैं अब चलता हूँ। अरे मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ भाई। क्या हाल है? जी ठीक हूँ, आप शायद कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, क्या किसी चेक पर साइन करा रहे? जी नहीं, मैं दरअसल एक साथी काम से हाजिर हुआ था। आप जल्दी में उनका भी सही? नहीं नहीं, ऐसी कोई खास जल्दी भी नहीं। बैठो, बोलो क्या बात? बेगम साहब, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। मेरी समझ में नहीं आता, इस घर में नोटों के दरख्त लगे हुए हैं जो हर दूसरे तीसरे महीने तो अपनी जरूरत लेकर आ जाते। इस दफे तो मजबूर हो गया है। दरअसल मेरे बहन की तबीयत बहुत खराब है, 1000 रुपए दे दीजिए, अगले महीने तनख्वाह मिलते ही वापस कर दूंगा। बड़ा बदनसीब था वो लम्हा जब हमने तुम्हारे गुर्बत पर तरस खाकर हमने अपने होटल में तुम्हें मैनेजर रखा था। बेगम साहबा, आपकी बहुत एहसानात है मुझ पर, एक एहसान और कर दीजिए। तुम्हारे साथ हर जरूरतमंद किसी तरह की बातें करता है, मगर ये मत भूलो कि हमारे भी कुछ प्रॉब्लम है। दौलत मजीद दौलत कमाने के लिए होती है, गरीबों में तकसीम करने के लिए नहीं होती। होटल वैसे घाटे में जा रहा है, उसके बावजूद हमने तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। आपको कहने में मजा आता है कि आपके लिए 1000 रुपए की क्या हैसियत है? अमान, मुझे फजूल बातें बिल्कुल पसंद नहीं। माफ चाहता हूं। वक्त झूठा है तुम्हारा दोस्त है कि नहीं? कह रहा था घबराने की जरूरत नहीं, फिर इतनी दवाइयां क्यों लेकर दी भैया? तेरे जैसी दगाबाज लड़कियों का पाला ऐसे डॉक्टरों से पढ़ना चाहिए। मैंने क्या किया है कि नहीं? क्या किया तू? क्या किया तू? कितनी बार तेरे पेट में दर्द हुआ है पे? बताया तूने मुझे? क्यों नहीं बताया तूने मुझे? छुपाया क्यों मुझसे? तुम्हें किसने बताया भैया? मुझे सब पता चल गया, बुआ ने मुझे सब कुछ बता दिया, बस आज से मेरी तेरी बोलचाल बंद। भैया अपनी बहन को माफ कर दो, माफ कर दो ना, तुम रुक के तो मैं मर जाऊंगी। आपने एक बार बताया था कि अबू जिंदा है। हाँ बेटी, पर उनके पास मेरी आशा भी है। आशा? हाँ, तेरी बहन, मगर अब उनसे हमारा कोई नाता नहीं, खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते। नहीं, आप मुझे उनका पता बताइए, मैं आज ही अपनी बहन और अपने को खत लिखूंगी। ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं मेरी भी ख्वाहिश है फौजिया। सलमान की शादी के बारे में जब भी सोचती हूँ किरण का चेहरा मेरी नजरों में आ जाता है। ओह शी इज सो स्वीट। वैसे भी हमारे घर में आ जाएगी तो हर तरफ रोशनी फैल जाएगी। चलो इस बहाने तुम्हारे यहाँ का बिजली का बिल तो कम आएगा। डोंट बी सिली, तुम तो हर बात में मजाक का कहीं निकालती हो। जिंदगी और है क्या, हर हाल में उसे एंजॉय करना चाहिए। अब रिश्ते की बात होता है, चलो इसी बात से ब्रिज का एक राउंड हो जाए। तो यहाँ रखो, और क्या दूं? ये लो पान की बेगम। थैंक यू।
बहुत सख्त जरूरत थी अति। कितनी बार कहा मेरा नाम अतर है, अति मत कहा करो, ये जरा कुछ जनाना सा लगता है। हाय। और हाँ, ये पान की बेगन पे इतना मत इतराओ। अति मिया, आम जिंदगी में बहुत जल्द मिलने वाली है। आई नो तुमने सायमा को अपनाने का फैसला कर लिया, मगर मत भूलो इस घर में आंटी के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, और पत्ता तो क्या, बंदा भी नहीं हिल सकता। क्या मतलब? मेरा मतलब फैंटोमस, वेरी सॉरी, तुम्हारी और सायमा की मिलावट नहीं हो सकती। क्या बकवास कर रहे हो अति मिया, क्यों नहीं हो सकती? मुझे तुम्हारी वालदा माजदा से बहुत खौफ आता है, यू नो शी इज हलाकु खान ऑफ दिस हाउस। ये नामुमकिन है अम्मी जान, कहां सलमान लाखों रुपए की जायदाद का तन्हा वारिस, और कहां वो गुर्बत की चादर में लिपटी हुई सायमा। ये ठीक है कि वो मेरी बहन की बेटी है, लेकिन चूती अगर सोने की भी हो जाए तो उसे सर पर नहीं रखा जा सकता। सायरा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी भांजी के बारे में इस अंदाज से बात करोगी। मैं नहीं जानती थी कि दौलत का गुरूर तुमसे रिश्ते नातों की पहचान भी छीन लेगा। हर चीज दौलत की कसौटी पर नहीं परखी जाती सायरा, तुम उस मोहब्बत को क्यों भूल गई हो जो साबरा अपने दिल में लिए यहाँ आई है। लेकिन अम्मी जान, जिंदगी के लिए मोहब्बत की नहीं दौलत की जरूरत होती है। इस दौलत का तुम्हें नाज है सायरा, वही जो मेरे और मेरे बेटे की मेहनत से इस घर में चमक रही है। अपने चेहरे से झूठ और बनावट की नकाब उतार कर अपने माजी की तरफ देखो सायरा, गुजरे हुए दिनों की दहलीज पर तुम्हें मुफलती की वो लाश जरूर नजर आ जाएगी जिसे मेरा बेटा दौलत की चादर में ढांप कर ले आया था। अपने अमीर बेटे का रिश्ता गरीब लड़की से जोड़ते वक्त यही मसला कभी मेरे सामने भी आया था। अगर उस वक्त मैंने दौलत को मोहब्बत पर तरजीह दी होती तो आज तुम्हारी बजाय इस घर में कोई ऊंचे खानदान की लड़की होती। मेरे और मेरे बेटे की वजह से तुम भूख इफलास और साखों की जिंदगी से निकलकर इन सोने चांदी की दीवारों में आ गई हो तो आज तुम्हारे नजदीक दौलत रिश्तों से ज्यादा अजीज हो गई है। लेकिन आज की दुनिया में दौलत को रिश्ते नातों से ज्यादा मकाम हासिल है अम्मी जान, ये सोसाइटी का दस्तूर है। जहन्नुम में जाए तुम्हारा दस्तूर और सोसाइटी, जहाँ खुलूस और मोहब्बत का मजाक उड़ाया जाता है, जहाँ खून के रिश्तों को दौलत की तराजू में तोड़ा जाता है, जहाँ दिलों पर इंसानियत और अखलाकी कदरों का नहीं सोने चांदी का राज। इस दौर में जिंदा रहने के लिए हमें ये तौर तरीके अपनाना ही पड़ेंगे अम्मी जान। मैंने साबरा का वजूद इस घर में बर्दाश्त कर लिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं दहेज में मिलने वाली बेशुमार दौलत को ठुकरा कर अपने बेटे की शादी गुर्बत में पलने वाली एक मामूली लड़की से कर दूं। सलमान की शादी किरण से होगी, इसलिए कि मैं फौजिया को जबान दे चुकी हूं। बीमारी फैलने से पहले हमेशा के लिए खत्म हो गई। ठीक कहा दुल्हन, साबरा एक बीमारी थी
जो हमेशा के लिए खत्म हो गई, वो दौलत के संवार पर, सोने चांदी की इन दीवारों पर अफलाक का काबिले नफरत साया बनकर जिंदा रहती, तो तुम्हारी ऊंची सोसाइटी के मिलने वाले क्या सोचते क्या कहते? लोग तो रोज ही मरते हैं अभी जान, लेकिन दुनिया का कारोबार तो बंद नहीं हो जाता। सच कहा, एक गरीब के मर जाने से तुम्हारी दुनिया में क्या फर्क पड़ सकता है, जहाँ इंसानियत भी सोने चांदी के तराजू में तोली जाती है। वाकई एक गरीब की मौत का शोक मनाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी नजर में तो ये खुशी का मकाम है बदल, कि एक और गरीब दुनिया से कम हो गया। बुलाओ अपने ऊंची सोसाइटी के तमाम दोस्तों को, जो तुम्हारे साथ एक गरीब की लाश पर मातम करने की बजाय कहकहे लगाएं, शादियां ने बजाएं, जश्न मनाएं, ताकि इन लोगों को मालूम हो जाए ऊंची सोसाइटी में गरीब की मौत पर रोया नहीं जाता, जश्न मनाया जाता है। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है सलमान बेटे? अपने चेहरे पर गरीब के लिए नफरत और आंखों में दौलत का गुरूर सजाओ, यही इस घर का दस्तूर है। तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारी अम्मी जान अपनी बहन की तरह शायद तुम्हें भी अपना बेटा मानने से इनकार कर दे। और साइमा बेटी, तुम क्यों उदास हो? तुमने सुना नहीं तुम्हारी खाला कह रही है इस घर को मातम कदा बनाने की क्या जरूरत है? दौलत ने खून के रिश्ते बुला दिए हैं, तो तुम किस बात का शोक मना रही हो? एक गरीब का जनाजा ही तो उत्सव है, इसमें रोने की क्या बात है? खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ, कहकहे लगाओ, कहकहे। न जाने तुम्हें इस घर में रहने की मेहनत कब आएंगे। तुम्हें माफ कर देने से हमारा नुकसान तो पूरा नहीं होगा। तो फिर एक कपड़ा और मान लीजिए, शीशे का गिलास तो नहीं टूट सकता, लेकिन शायद मैं देख रही हूँ दिन ब दिन तुम अपनी औकात से बाहर होती जा रही हो। आसमान की तरफ देखकर चलने वाले हमेशा मुंह के बल गिरते हैं। मैंने तो अम्मी जान के मरने के बाद अपनी रात को अपने आप में दफन कर लिया है, फिर आपको मुझसे किस बात का गिला है? खामोश बदतमीज लड़की, तुम उस माँ की बेटी हो जो अफलास की तलखियों के सिवा तुम्हारे लिए कुछ छोड़कर नहीं गई। तुम जैसी गरीब लड़की को महलों के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। रास्ते में पड़ा बेकार पत्थर हीरों के पत्थर दिया जाए तो वो हीरा नहीं बन जाता। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? वो जिसे सुनकर तुम्हारे अरमानों पर बिजली गिर पड़ेगी। कान खोल कर सुन लो साइमा, सलमान से शादी तो दूर की बात, वो तुम्हारी सोचों में भी आए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सलमान की शादी जिस लड़की से होगी उसका नाम साइमा नहीं, किरण है। उसे अपने ख्यालों से निकाल दो साइमा, अगर ये मुमकिन ना हो तो इस घर से खुद निकल जाओ। लड़की, क्या तुम्हें घर में रहने के मेहनत नहीं आते? और ये क्या लिबास पहन रखा है? क्या बड़े घरों में ये दो तरीके होते? सलमान, तुम्हें पता है खाला जान मेरी किस्मत का फैसला सुना चुकी है। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, देख चुका हूँ, अब उनके सुनने की और देखने की बारी है। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें मेरा मतलब है वक्त बताएगा, तो जल्दी से दीवार बदल। कहाँ ले जाओ? जहाँ मेरी मर्जी। देखा जाए तो मोहब्बत के आंदोलन हमारी आजादी का पहला कदम। मैं फिर कहूंगी सलमान कि तुमने अच्छा नहीं किया, आंटी पिता को कभी माफ नहीं करेंगे। दिन बराबर से उतर आए तो बड़े बड़े तूफानों को मुझे होता है। बेटा दो चार मिनट लेता है। मैंने मिसेज बरात को फोन कर दिया है, आती ही हूँ।
क्या कुछ नहीं रही हूँ मैडम, सोच रही हूँ ये सलमान के साथ आज साइमा यहाँ कैसे आ गई। कैसे साइमा, क्या बात है? मेरा दिल घबरा रहा है सलमान, खुदा के लिए यहाँ से चलो। साइमा तुम्हें देखकर इस कदर नर्वस क्यों हो गई? शायद मुझे रिश्ते माँ से याद आ गया। क्या मतलब, उसके माँ से तुम्हारा क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है मेरे साथ। आप साइमा को मेरी जीवी कह सकते हैं। हेलो सायरा, कब आई तुम? पूरे एक घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कमाल है, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं अपने होटल में हूँ, तुम टेलीफोन कर देती। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा फोन डेड पड़ा है। बाय द वे, तुम्हारा मूड क्यों आप है? आज मेरा मूड बहुत अपसेट है मोतिया। इस कमबख्त साइमा ने जादू करके मेरे बेटे को खुद सर बना दिया है। मेरा जी करता है इसे शूट कर दूं। नो डार्लिंग नो, काम ऐसा करना चाहिए जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। साइमा तुम्हारी राह का काटा है, सो वो निकल जाए। मगर कैसे, तुम मेरे होटल के मैनेजर अमान को तो जानती हो? हाँ, मुझे आज ही ये जबरदस्त खबर मिली है कि साइमा अमान की बीवी है। रियली? अगर ये सच है तो फिर तो हमारी दोनों की मुश्किल आसान हो जाएगी। ऑफ कोर्स, किरण अमान से नफरत करने लगेगी और सलमान साइमा से नफरत करने लगेगा। आप कहाँ जा रही हैं अमीजान? मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ, ताकि तुम अपनी मनमानी कर सके। मुझे आपकी नाराजगी का सबब मालूम है अमीजान, खुदारा मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पर बहुत नादिम हूँ। कोई जरूरत नहीं दुल्हन, कोई जरूरत नहीं। यकीन मानिए अम्मी जान, मैंने तन्हाई में बैठकर आपकी बातों पर और इस घर के हालात पर ठंडे दिल से गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मेरी सोच गलत थी। आज के बाद इस घर में वही होगा जो आप कहेंगे। अम्मी जान, मैंने सिर्फ आप ही का दिल नहीं दुखाया, मैंने साइमा पर भी बहुत जुल्म किए हैं और इसका कफारा अदा करने के लिए मैंने फैसला कर लिया है कि सलमान की शादी साइमा से कर दी जाए। दुल्हन, ये जिंदगी का पहला सच है जिस पर यकीन नहीं आ रहा। काश आज साबरा भी जिंदा होती तो वो भी इस फैसले पर कितनी खुश होती, कितनी खुश होती। बेटी जीती रहो दुल्हन, जीती रहो। आई आई दादी माँ। क्या हुआ दादी? क्या हुआ दादी माँ? दादी माँ मैं अभी आई। अल्लाह है, क्या हो गया बेटी? दादी अम्मा, समझ में नहीं आता आज में क्यों गड़बड़ हो रही है। क्या हो गया? आप माफ कीजिएगा थोड़ा। अरे दोनों, अरे क्या हो गया इसको दुल्हन? इन दोनों को एकदम से क्या हो गया बेटी? अम्मी जान, आशी की बात तो समझ में आ सकती है, औरत साथ है, बात पेट में नहीं पड़ सकती। हाँ, अत्ते का मामला गौर तलब है। हाँ दादी जान। क्या बात है बेटा? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये सच है कि मेरी शादी साइमा के साथ हो रही है? हाँ बेटा। क्या है ये फैसला? क्यों क्या है ये फैसला? साइमा के साथ रिश्ता करने से पहले मुझसे क्यों ना पूछा गया? सलमान बेटा, हम तो समझे थे हमने तेरा ख्वाब पूरा किया है और तू बोला नहीं समाएगा। तू खुश नहीं है? खुश नहीं हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ दादी जान। सुअर कहीं गए? हाँ पीछे ये ढोल कैसा? दलियन क्या बोले? एंजॉयमेंट। शाबाश, बड़ों से भी एंजॉयमेंट। और अगर दादी का दम निकल जाता तो? अल्लाह ना करे दादी जान, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको दादी जान से परदादी बना दी। ढेर सारे बच्चों, ढेर सारे नहीं, बस दो जान दे दे। अच्छा, साइमा को भी समझा दे। खुदा ना करे अपना।
मरीजा का मौसम कैसा रहा? बंजर बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छी कंपनी थी। आप बिलीव करें, बाबा खाने को जीनी चाहता था। थैंक यू डियर, ये घर तुम्हारे बगैर सूना हो गया था। आई नो, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप मुझसे बेइंतहा प्यार है। रियली मैं अब आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो पड़ेगा बेटी। कहा मम्मी? जहाँ जवान होकर हर लड़की को जाना पड़ता है, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? आपने मेरी जिंदगी का फैसला मेरे पूछे बगैर कर दिया। बेटी, सलमान बहुत अच्छा लड़का है और इतना दौलतमंद खानदान है कि तुम सारी जिंदगी ऐश करोगी, और फिर तुम्हारी आंटी सायरा भी तो तुम्हें पसंद करती है। मम्मी, मुझे किसी के पसंद और नापसंद से कोई सरोकार नहीं। ये मेरी जिंदगी का मसला है, आप कह रहे मम्मी अब साइड होने की कोई जरूरत नहीं। मैं कोई जहर गवार लड़की नहीं हूँ कि अच्छे बुरे की तमीज न कर सकती। मैं अमान को पसंद करती हूँ और मेरी शादी खुशी की होगी। हेलो अमान। ओ आइए डॉक्टर साहब। क्या बातें हो रही हैं बहन भाइयों? अरे डॉक्टर साहब, ये लड़की तो मेरे कान खा गई। कभी कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँ, कभी कहती है कि मुझे यहाँ क्यों लाए। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। तुम्हें अम्मान मेरे ही कहने पर यहाँ लाए हैं ताहिरा। लेकिन क्यों? क्या मुझे कोई खतरनाक बीमारी है? ये ऐसे नहीं मानेगी डॉक्टर साहब। ला जबान दिखा, कैंची मंगवाइए डॉक्टर साहब, मैं जबान ही निकाल देता हूँ इसकी। पढ़ी लिखी जाहिल कहीं। देखो यार, इसको डांटो नहीं। सिस्टर, इसका ब्लड ले लें और टेस्ट के लिए लैब में भिजवा दें। इजाजत है ना मुझे? जाऊं? ऐसे भी क्या जल्दी, चले जाना। क्या करूं बहना, नौकरी का मामला है ना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किरण, तुम कहीं बाहर जा रही? मम्मी, मैंने आपसे हजार दफा कहा है कि मुझे जाते हुए ना धोखा कीजिए। मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो। अगर तुम चाहो तो अमान से शादी कर सकती हो। क्यों, आपकी सहेली ने इनकार कर दिया क्या? नहीं, जो बात पता चली है वो बहुत ही दिलचस्प है। तुम सुनोगी तुम भी हैरान रह जाओगी। अमान जिससे तुम प्यार करती हो वो शादीशुदा है। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ बेटी। वो तुम्हारी दौलत अपनाने के लिए तुम्हें प्यार का फरेब देता रहा। ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम उससे शादी करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। हेलो डॉक्टर, आओ मन बैठो। मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाला था। क्यों? खैरियत? ताहिरा की रिपोर्ट आ गई। कोई तश्वीश की बात तो नहीं है? समझ में नहीं आता अम्मान, ताहिरा को इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई। बड़ी बीमारी? अम्मान, पेट में रसोली है। मुझे मालूम था कि यह सुनकर तुम परेशान हो जाओगे। काफी खतरनाक बीमारी, मैंने सर्जन रहीम से डिस्कस किया है। उनका कहना है कि ऑपरेशन होगा, मुमकिन है ताहिरा की जिंदगी बच जाए। लेकिन तुमने तो कहा था कि सायमा तुम्हारी बीवी है। कहा था बेगम साहब, लेकिन ये महज एक नाम का रिश्ता था जो एक जरूरत के तहत बांधा गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? ये उन दिनों की बात है जब मशरती पाकिस्तान में फसादात हो रहे थे। सायमा मेरे पड़ोस पे रहती थी, उनके लिए यहाँ आना एक मसला बना हुआ था। इत्तेफाक से मेरे पास रेड क्रॉस की परमिशन थी और मैंने ये तजवीज पेश की कि अगर मेरे पासपोर्ट पर उनका इंदराज बहसियत बीवी के हो जाए तो वह आसानी से यहाँ आ सकती हैं। उन्होंने मेरी तजवीज मान ली और इस तरह मैं उन्हें और उनकी वालदा को लेकर यहाँ आ गया। अब आप ही बताइए, इस रिश्ते की भला क्या अहमियत हो सकती है? तुम्हारे नजदीक नहीं, मगर हम इस बात से बहुत फायदा उठा सकते हैं। लेकिन बेगम साहब, आप सायमा पे जुल्म क्यों करना चाहते हैं? बात यह है अमान, मेरी एक सहेली है सायरा, उसका बेटा सलमान सायमा से शादी करना चाहता है और सायरा इस हक में नहीं है। उन्हें अलहदा करने का बेहतरीन तरीका यह है कि तुम जाकर अपनी बीवी की वापसी का मुतालबा करो और उसे कहीं ले जाकर ठिकाने लगा दो। क्या सोच रहे हो अमान? ये सौदा महंगा नहीं है। हमारे रास्ते की दीवार भी गिर जाएगी और तुम्हें बहन के इलाज के लिए रकम भी मिल जाएगी काफी। नहीं मेरी सारा, मैं ये काम नहीं कर सकता। Thank you.
भैया तुम रो रहे हो? नहीं बहना, जरा तेरी जुदाई का ख्याल आ गया था। क्या मतलब? मतलब यह है बहना कि लड़कियां तो पराया धन होती हैं, एक दिन तू भी अपने भाई को छोड़ के चली जाएगी। ये बात है तो मैं वादा करती हूँ भैया, मुझे तुम्हारे आंसुओं की कसम, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी भैया, है कि नहीं? मेरी भी यही आरज़ू है तारा कि तू मुझसे कभी दूर ना हो, खुदा तुझे कभी मुझसे जुदा ना करे। क्या बात है भैया, आज तुम्हें अपनी बहन पर बहुत प्यार आ रहा है। अरे बहना, तेरे पैर के सिवा दुनिया में रखा क्या है, हैं? है कि नहीं? मैं बड़ा मजबूर हो गया हूँ बेबी चाचा, मुझे अपनी बहन के इलाज के लिए रुपयों की शदीद जरूरत है। ठीक है तुम्हें रुपये मिल जाएंगे, लेकिन शर्त वही पुरानी होगी। शर्त बन ठीक है, मैं सारा को फोन करती हूँ, उसके बगैर ये खेल अधूरा है। हमारे साथ आप से मासूम लड़की में दाम लगाते हो, शर्म आना चाहिए। ये भी सही बात है। आराम से बात कीजिए सलमान साहब, मैं यहाँ खैरात मांगने नहीं आया, अपना हाथ मांगने आया हूँ। शाम मेरी बीवी और दुनिया की कोई ताकत इस हकीकत को झुटला नहीं सकती। मिस्टर अमान, क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? बेगम साहब, दुनिया का कोई शख्स इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। मैं अगर एक दावा कर रहा हूं तो मेरे पास इसका सबूत भी जरूर मौजूद होगा। पराई सहमत हूं, वो मुझे पहचानने से इनकार नहीं करेगी। और अगर ये बात गलत साबित हुई तो याद रखो, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। घबराओ नहीं, मैंने इन लोगों को सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया है? यही तो तुम मेरी बीवी हो। ये सरासर इल्जाम है आंटी, इसकी बातों में मत आइएगा, ये आदमी मकार है, फरेबी है। साइमन, क्या दौलत की चमक ने तुम्हारी आंखों से रिश्ते की पहचान भी भुला दिया जो औरत के लिए काबिल एहतराम हो? तुम काबिल एहतराम नहीं, काबिल नफरत हो, तुम इंतहाई घटिया और जलील इंसान हो। मैं जो कुछ झूठ है सब तुम्हारा शहर। ये गलत है, गलत है, गलत है। अगर ये सब गलत है तो क्या ये निकाह नामा भी गलत है? ये शादी की तस्वीरें भी गलत है, ये पासपोर्ट भी गलत है। सलमान साहब अपने फैसला कीजिए कि कौन झूठा है कौन सच्चा। जवाब दो, ये सब कुछ क्या है? तुमने आज तक धोखे देखा? मैं कसम खाती हूँ सलमान, ये तो कुछ झूठ है, मेरा इस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं। ठीक कहा तुमने सायना, लेकिन याद रखना कि कानूनी तौर पर मैं भी तुम्हारा शौहर और अब हमारी तुम्हारी मुलाकात अदालत में होगी। सलमान जी, ये केस अगर अदालत में चला गया तो हमारी इज्जत पर हर्फ आएगा। समझ नहीं आती कि क्या फैसला करूँ, अनजान अगर होती तो फैसला करने में दुश्वारी ना होती। फैसला तो हो चुका है अनजान, बीवी को शौहर से कोई अलग नहीं कर सकता। अमान जी, हम इस सरकार लोग हैं, साइमा तुम्हारी अमानत है, तुम बड़े शौक से उसे साथ ले जा सकते हो, लेकिन हमें एक दिन की मोहलत चाहिए। मुझे एक मंसूर है, जहां इतने सालों साल ना तुम बैठ गए वहां एक दिन और सही। खुदा जानता है कि ये आदमी बेरुखी है, ये निकालना, ये पासपोर्ट सब गलत है। खामोश रहो। सलमान। हाँ आइए आइए मिस्टर जमान, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अरे आपकी आंखों में आंसू, ठीक ही तो है, लड़कियां जब शोहर के साथ रुखसत होती हैं
तो उनकी आंखों से आंसू चलक ही पड़ते हैं। बस या कोई और तीर बाकी है? तीर तो आपने चलाया है मिस्टर जमान, और दिल पर ऐसा जख्म लगाया है कि उम्र भर याद रहेगा। लेकिन अब शिकायत करने से फायदा भी क्या? मुझे घायल करने से तो अच्छा है सलमान कि तुम मेरा गला खोल दो। छोड़ो मिसेज़ जमान, क्या रखा है इन बातों में? सलमान, कम से कम तुम तो इतने बेरहम ना बना। खाला जान ने भी अमान की बातों पर यकीन कर लिया, दादी जान भी घायल हो गई, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। इस मुकद्दस लफ्ज को अपने होठों पर लाकर इसकी तोहीन मत कर देना। सोचते था कि तुम मुझे दबरा ठोका दोगी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मोहब्बत के नाम पर मुझे दबरा फरेब क्यों दिया? खुदा जानता है मैंने तुम्हें कोई फरेब नहीं दिया सलमान। अमान छूटा है, वो हमें यहाँ लाने का जरिया जरूर बना था, लेकिन खुदा जानता है हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं रखता। तुम मेरी मोहब्बत नहीं अमान की बीवी हो। हम बहुत खुश हैं, हमने जो तुम्हारे काम सुपुर्द किया था तुमने बड़ी कामयाबी से अदा किया है। खामोश क्यों हो, मुस्कुराते क्यों नहीं? आज तो तुम्हारी खुशियों का दिन है। सायमा को कत्ल करके तुमने जुर्म जरूर किया, लेकिन ये जुर्म तुम्हारे लिए खुशियों के तमाम दरवाजे खोल देगा। तुम हर फिक्र से आजाद हो जाओगे। ओहो घबराओ मत, तुम्हारा ये राज हमेशा राज रहेगा। लो ले लो ना। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया इंसान हो। जब मम्मी ने कहा था तुम एक चलाक और मक्कार इंसान हो तो मैंने यकीन नहीं किया था, लेकिन आज मुजरिम भी सामने है और सबूत भी। किरण, जो शख्स अपनी बीवी को कत्ल कर सकता है वो किसी से क्या मोहब्बत करेगा? मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। इस वक्त जिंदगी और मौत का मसला ना होता किरण तो मैं बात कुछ कहता। मौत का मसला तो मैं सुन चुकी हूँ, जिंदगी का हाल देखने के लिए मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी। आई हेट यू, 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 आई हेट यू। मैं तो तुम्हें पहले ही समझाती थी बेटी। सॉरी मम्मी, उस वक्त मैंने आपकी बात नहीं मानी, मेरी गलती थी मम्मी, अब मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं बेटी, मेरा ख्याल है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने अंकल के पास लंदन चली जाओ, सारी थकन दूर हो जाएगी। ठीक है बेटी, इसको कहते हैं सांप भी मत गया और लाठी भी टूट गई। कितनी चाल चली है तू, बड़ी चालबाज। बेटी कमरा तो मिल गया।
बुलाने वाली बात ये यूरोप वाली बात नहीं, बुलाई है। चलो तुम अंदर। अपना ही बंदा है, मैं समझा अपनी गड्डी है। चलो मैं देख के आता हूँ पैसे। चलो तुम। हाँ भाई उतर जाओ। ओ चलो बहू सामान निकालो। यार तुमने क्या चीजें रखी हुई? चलो जानते इसमें प्लेटें हैं, गिलास हैं। चलो भाई चलो ये लो पैसे। चलो और कोई सामान तो नहीं है? नीचे तो नहीं रखा हुआ। यार ये क्या चीज, गरम गरम चीज रखी हुई है। चलो जो हो गया लेट कराता है। हाँ हाँ तू क्या देख रही है काको? ये वर्जिश थी, वर्जिश एक्सरसाइज। दिस इज वेरी मच जरूरी बिफोर नाश्ता। वो तुमको शौक है? नो सर। और क्या शौक है? लोगों को देखने का। चंगी गल आ, शौक अपने हो भी बहुत आ। शिकार करना और एट ए टाइम सेवन सेवन औरतों से इश्क पेचा। तो जब से ज्यादा जो शौक है ना मुझको वो बाजा बजाने का। अच्छा तुम कौन सा बाजा बजाता? वो कौन सा बाजा यार, कैसे समझाऊं? बजाने वाली चीज यार बजाने, वो ग्रामाफोन सरंगी टाइप चीजें। आई हैव बीन इन लंदन कई सालों से, तो बड़े टाउन है। अपने अंग्रेजों से बड़ी लगती, मेरी अंग्रेजी मेमो से नहीं। बड़ी जिंदा दिल कौम है। क्रिसमस वाले दिन ना लम्बी अपना पी के तो सड़कों पे ही टिके पे होते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल। ओ गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग है तीजा ही। ले भाई दिस इज वेरी मच रेंज एंड हैप्पी फुल के हम पाकिस्तान में हैं इस वक्त, और इस वक्त इस छत के नीचे तीन कौमें मौजूद हैं। एक सिख, नहीं सिख मैं, दूजी ईसाई, तीजी मुसलमान है। इसकी वजह मोहब्बत है अंकल, और मोहब्बत का कोई मतलब नहीं होता। जैसे किसी शायर ने कहा, ओ मैं जानना इश्क ना पूछे तीन धर्म, इश्क ना पूछे जात, तजर्बा ये ना कमाला भाई। चाय लीजिए। ओ थैंक यू, ओए थैंक यू। वाह पीपनी थी। तो क्या नाम बताया तूने अपना काको? मारिया। मारियो? मारियो मेरे होते वो क्यों दी माँ? इसको किसी ने नहीं मारा, इसका नाम मारिया है। अच्छा मारियो है इसका नाम, वो लंदन में ना कतूरियों के नाम होते हैं। अच्छा तो टाइम क्या हुआ काको? 9 बजे। नहीं 9 बजे मैं बेवकूफी की बातें कैसे कर सकता हूँ? तो और टाइम मुझको शागट है, मैं खुद ही देखता हूँ। ओए काको, ओ मेरी कसूरी को अट गई है। ओ मेरी कसूरी, ओ डायमंड की सुई, ओ मेरी सुई लपो। मुझे दिखाए। ओ बे काको। अंकल 12 बजे हैं। 12 बजे और फिर मेरा कोई कसूर नहीं, घड़ी का कसूर है। एक तो नाश्ता 12 बजे है, ऊपर से आपके 12 बज चुके हैं। ओ जा मारिया जा, ठंडा कोल्ड वाटर ला, पसीना बढ़ाता है, जितना पानी पीता उससे बहुत निकल जाता है। लो अच्छा ये बताइए कि आप पाकिस्तान पहली मरतबा आए? ओ नहीं दिए, मैं पहली दफा उस वेले आया था जब मैं अपने बापू खड़े सिंह की दौलत करने आया था शायद मीठे बाजार से। ये दूजी दफा है। आपका बहुत शुक्रिया आप मुझे यहाँ लेकर आए। ओ तीए शर्मिंदा, तेरा का नाम मैं शर्मिंदा होने की आदत है। ओ बैठे ना, जब तेरा डैडी फौत होने लगा तो मरते समय मैंने उसको वचन प्रॉमिस दिया था कि मैं सारी जिंदगी अपशा बेटी का ख्याल रखूंगा और कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तो अपने दोस्त से किया हुआ कि वादे को मैं निभा रहा हूँ। तेरी भैन का एड्रेस मिलिया? मिल जाएगा अंकल। आप ये बताइए कि मेरे म्यूजिक स्कूल के प्रोजेक्ट का क्या हुआ? वो म्यूजिक स्कूल नहीं, म्यूजिक यूनिवर्सिटी। वही अंकल, मैं चाहती हूँ मैं यहाँ के लोगों को म्यूजिक की तालीम दूँ। मैं उन्हें बताऊंगी कि मौसीकी की कोई जबान नहीं। मैं चाहती हूँ अंकल मेरे म्यूजिक स्कूल का इफ्तिताह जल्द से जल्द हो जाए। वो ये तो गल ही कोई नहीं, तीए लगा लिस्ट हार देना अखबार च तो परसों इतने म्यूजिक से मजा दिया लैं लग जाइया। भाई गल धीए लुटी तो भंगड़े की क्लासा का हेडमास्टर मैं होगा। आ वे ट्रेलर ओ मेरा किता गया। ओ धीए इतने का नवा भी नहीं पाया। मुबारक हो दादी जान। किस बात की बेटा? अखबार में आपकी चहेती साइमा की तस्वीर छपी है। वो जिंदा है? मर जाती तो अच्छा था। क्या कह रहे हैं बेटा, ये तो खुशी की बात है।
जी हाँ, बहुत खुशी की बात है। बखून तो कब तक इस घर से मंसूब था, आज बेहयाई का रूप धार कर होटलों में उछल रहा है। सलमान, आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो ये इश्तेहार देखिए। नहीं, मेरा दिल कहता है ये सब झूठ है। साइमा किसी गलत रास्ते की तरफ कदम नहीं उठा सकती, उसकी रगों में शरीफ माँ बाप का खून है। मत बोलिए दादी जान, साइमा घर से जा चुकी है और घर से भाग गई लड़कियां। नहीं नहीं सलमान नहीं, ये तस्वीर किसी बहुत बड़ी मजबूरी की कहानी लगती है। हो सकता है इस जुल्म के पीछे फिर उसी फरेबी अमान का हाथ हो। तुम्हारी कहानी वाकई दर्दनाक है, लेकिन मैं इस नतीजे में पहुंचूं कि तुम इंतहाई नालायक आशिक हो। ये तुमने हालत क्या बना रखी है अपनी, ये खुला गिरेबान, ये उलझे हुए बाल, ये लटका हुआ मुंह, ये बड़ी हुई शेर। मेरे यार सीधी सी बात है कि एक लड़की थी जो मर गई, किस्सा खत्म। किस्सा तो खत्म हो गया, मगर ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये साइमा नहीं हो सकती यार। मेरा दिल कहता है ये 100% साइमा है जो रूह बदल के आई। ओफो यार, मरने वालों के भूत जमीन पे आते हैं, वो खुद नहीं आते। यार तू ये तो हर वक्त मजाक सोचता है। सवाल ये है सलमान, अगर ये लड़की साइमा है तो इसमें फर्क क्या पड़ता है? तुम तो इसे ठुकरा ही चुके हो। एक बात बताऊं भाभी, पहले मोहब्बत दिल से कभी नहीं जाती, इंसान हर हालात से समझौता इसलिए कर लेता है जिंदगी की इमारत बनकर चाहे। मैं साइमा से मिलने के लिए क्यों बेचैन हूँ ये मैं नहीं जानता, लेकिन अपने ख्यालात की तस्दीक जरूर करना चाहता हूँ। तो फिर एक काम करो, अगर वो सहमा है तो इस रूप में वो तुम्हारे से बात नहीं करेगी, तुम भी भेस बदल कर जाओ, शायद कोई भेद खोल सके। Yes, he is right. इसे कहते हैं नहले पे दहला। वाह वाह वाह, बेगम क्या बात कही है, जरा हाथ आए इसी बात पे। ईमान से हाथ चूमने को जी चाहता है। सिस्टर ब्रदर्स एंड ओल्ड फेलोज, बहनों भाइयों और युवरगोज। नहीं वरी वाली कोई गाने ठीक ही। तो मित्रों, युवकों का एक कॉल है कि मौसीकी रूह की गिजा है और रक्स जो है वो अदा की शायरी, यानी कि पोएट्री ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। युवर घोड़े के नाते से मेरा भी एक कॉल है और धर्म है कि डांसिंग बहुत चंगी वर्जिश है, बहुत चंगी चीज़ है, इससे जिस्म का हर हिस्सा जो है आराम से खुल जाता है। ये इतनी चंगी चीज़ है बसेते के ये वो मुजरे की सूरत में ना हो, मुजरा एक पाप है। तो टुडे आई एम वेरी मच ग्लैड एंड हैप्पी कि इस खुशी के मौके पे जनाब नवाब साहब मौजूद हैं, जो इस शहर के अदबी समाजी और फनून लतीफ़ा के अदारों के चीफ हेड यानी के सरपरस्त हैं और हमारे अदारे को भी अपनी सरपरस्ती में लेना चाहते हैं। Thank you.
श्रीमान, कहीं हम आपकी तन्हाइयों में मुखल तो नहीं हुए? अब आप आ ही गए हैं तो तशरीफ रखिए। हम बिन बुलाए मेहमान जरूर हैं, मगर किसी हसीना पर जबर करना हमारी तबीयत में शामिल नहीं। अगर हमारा यहाँ पे आना नाकवार गुजरा है तो हम वापस चले जाते हैं। मगर हमारा इल्म नजूम कहता है आप हमें याद कर रही थी, कहूँ हाँ बोलू ना। अच्छा तो आप इल्म नजूम भी जानते हैं? जाने अजीज हम क्या नहीं जानते, आपके हुस्न की कसम हॉलीवुड में अधूरा ने कहा एक रोज हमारी शुरू सुन के अलिजबर टेलर आ गई। बस उस दूसरी को हमने हाथ देखे बगैर उससे कह दिया कि तुम बहुत जल्द अपने चौथे शोहर से तलाक लेने वाली हो। भाई ये सुनते ही वह हैरान परेशान हो गई और हमारे सीने से आके लिपट गई। नवाब साहब फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं अलिजबर टेलर नहीं। हाजी हजूर भला अलिजबर टेलर क्या शह है आपके सामने? ये हुस्न, ये जवानी, ये अदा, ये बागपन, लगता है जैसे खुदा ने आपको बहुत फुर्सत में बनाया है मेरे लिए। कहिए हाँ। फिर तारीफ का शुक्रिया नवाब साहब, मैं क्या हूँ ये मैं ही जानती हूँ। और हम क्या हैं आप ये नहीं जानती? कहिए हाँ। अरे कहिए ना। आपको कौन नहीं जानता नवाब साहब, दौलत आपकी कनीज, खूबसूरत लड़कियों से दिल बहराना आपका मशगला। आपका अंदाजा सोलवाने दुरुस्त है, लेकिन हम एक बात की वजाहत करते हैं, हम मुजन पर जरूर हैं मगर वल्ला बदनीयत नहीं, हम आपके परिश्तार जरूर हैं मगर तलबगार नहीं। कहिए हाँ। हाँ। वाह, बस हमें भूत सिर्फ नीम के दरख्त पर ही अच्छा लगता है। कहिए हाँ। लो ये गल जूनी बस पूछा के साडे लोगों की जी याद होंगी है ना बड़ी तेज बड़ी फास्ट होती है, तो वो आदमी क्या जो एक दफा किसी का चेहरा देख के तो भूल जाए, तो खैर छोड़े किसी को तो मैं पता नहीं की कह रहा थी। आप लो जी, तो जब मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ ना जी, तो अफशां बेटी ठीक बोतल के शायद की थी, तो कहने को तो मैं इसका गार्डियन हूँ सरपरस्त हूँ, पर क्योंकि मनु ये बहुत रीज है इस करके मैं इसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करता। जे आप इसको साथ ले जाना चाहती हैं तो मुझको कोई इतराज नहीं, और अगर मैं आपके साथ जाना चाहूँ तो आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए था। लो आ गई भाई तीरा, बड़ी उम्र है भाई, आ जाती है। हेलो ओहो सायरा आंटी आई हुई है। ओ तीरा नहीं है, तुमको अपने घर ले जाना चाहती हैं। हाँ तुम मेरी भांजी हो और हमारे घर चलकर रहो, बल्कि तुम्हारे अंकल भी। ओ जूनियर वे। नहीं आंटी, मैं बहुत बड़े बाप की बेटी हूँ, ना आप मेरे नाज उठा सकी और ना मैं आपकी जिल्लत। अम्मी और सायरा तो आपके सर्वेंट क्वार्टर में जिंदगी गुजार सकती है, लेकिन मैं वहाँ एक दिन नहीं रह सकती। शर्मिंदा ना करो बेटी। आप शर्मिंदा तो होती हैं आंटी, मुझे सायमा ने खत में लिखा था कि आपके घर शर्मिंदा होने का रिवाज बिल्कुल नहीं। पुरानी बातें भूल जाओ बेटी, आज मैं यहाँ एक प्रपोजल लेकर आई हूँ। ओ एडन शर्मिंदा गंदे बड़े मौके आएंगे तीए फैला देना दी प्रपोजल, मेरे को बड़ी पसंद आई है, चंगा लगता है कठिया मिलजुल के रहना। मेरा बेटा सलमान सायमा से मोहब्बत करता था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बिगड़े हैं कि शादी ना हो सकी। तुम में और सायमा में कोई फर्क नहीं, और फिर तुम्हारी दादी की भी यही ख्वाहिश है कि तुम दोनों की शादी हो जाए। यकीनन इसमें आपकी मस्ती भी शामिल हो। जाहिर है अगर ऐसा ना होता तो मैं यहाँ क्यों आती। बुरा ना मानिएगा आंटी, इस वक्त आपको अपने बेटे की खुशी नहीं बल्कि मेरी दौलत यहाँ खींच लाई है। अगर ये दीवार बीच में ना होती तो आज सायमा आपके घर की दुल्हन होती। तुम्हारी ये सोच गलत है अफशा। नहीं आंटी, मुझे सायमा पर होने वाली हर ज्यादती का इल्म हो चुका है। वो बेजुबान थी, चुपचाप इस दुनिया से चली गई, लेकिन मैं सायमा से बहुत मुख्तलिफ हूँ। आप मुझे अपनी बहू बनाकर मुश्किल में फंस जाएगी, और फिर जब तक मैं अमान से बदला न ले लूं चैन से नहीं बैठूंगी। ये ना कुछ शर्मिंदा करने के बड़े मौके आएंगे, रिला लेना की प्रपोजल। जी मैं समझ गया, जी हो जाएगा ठीक है, हाँ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं।
तुमको भुखे बटेरे की तरह देख रहा और मिस्टर कमजोर मैन इस शोरूम के मालिक से मिलना है। पाँच बजे तक आएंगे। ना तो 12 बजे क्यों नहीं मिलते? चलो हम 5 बजे आ रहे हैं। चलो बेटी। ये झूठ है। जब साइमा को तुमने मार डाला था तो वो जिंदा कैसे हो सकती है? बड़ी मशहूर मसल है बेगम साहिबा, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। खुदा ने साइमा को नई जिंदगी देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप मुझे कोई कातिल नहीं कह सकता, मुझे कोई कातिल नहीं कह सकता। बुलवाइए किरण, ताकि मैं आज उसके लगाए हुए इल्जाम का जवाब दे सकूं। किरण लंदन में है और अगर वो यहाँ होती भी तो तुम उस नफरत को दूर नहीं कर सकते थे जो तुम्हारे लिए उसके दिल में समा चुकी है। मुझे किसी की नफरत की परवाह नहीं, मेरा जमीर आईने की तरह साफ है और अब मैं इस आईने पर कभी कर नहीं जमने दूंगा। समझ गई आप बेगम साहिबा? कभी कर नहीं जमने दूंगा। ये तो सारा मामला चौपट हो गया मैडम, अब क्या होगा? बात तफ्तीशनाक जरूर है मगर अभी खेल खत्म नहीं हुआ। तो फिर जल्दी से कोई नई चाल सोचिए। आप तो बड़ी चालबाज है। मेरा मतलब है कि साइमा की जिंदगी हमारे लिए खतरे का अलार्म। घबराओ मत, शेरू दादा के ठिकाने पर जाओ और उनसे गुंडे हासिल करो और उनसे कहो कि साइमा को उठाकर यहाँ ले आए ताकि ये खेल खत्म हो जाए। जी बेगम साहबा। बड़ी हैरत की बात है, साइमा तो बहुत बुजदिल और कमजोर सी लड़की थी। ये साइमा नहीं, कोई और है। यू आर राइट मैडम, गुंडों ने होश में आने के बाद मुझसे यही पूछा था कि ये लड़की है या बला। क्या ओ बड़े बुढ़िया होते आप बना हो? अंकल क्या कर रहे हैं? ओ बड़े बुढ़ मेरी दी हो ओ मारा तसव्वुर भी जो वालों गुंडे को तेरे हथी मार पाते वे रहा हूँ। तूने तो उनके मुंह मार मार के बुढ़े मुंह बना दिए भाई। ये तो है अंकल, आज मैंने जूडो कराटे के वो जोहर दिखाए कि वो लोग परेशान हो गए। अच्छा, एक को ऐसे पंच पलट एक को फ्लाइंग किक मारी और तीसरे को तो बनाने दे, तीसरे को भी कुछ ना कुछ तू मारे ही होना।
मैं जानता तू मेरी धी है, धीए तेनू मेरा थैंकफुल होना चाहिए। जे मैं तेनू लंदन जुडो कराटे ना सिखाता हां, उत्तों अंदर नी बाहर नी धोबी पटड़े ना सिखाता, तो तू अज उल्टी फांटी खा रही थी उन्होंने। ये तो है, मुझे आपका शुक्र गुजार होना चाहिए। अगर आप मुझे ना सिखाते तो आज वो गुंडे मुझे चूंटी की तरह मसल देते। पर ये एक गल मेरी समझदानी च नहीं आई, वो गुंडे केड़े शहर दे केड़ी बैग दे तेरे पीछे आए? जब मैं सोचता टाइम पता की नहीं नहीं इस वे नहीं सोच सकता, बारह बार के दोवे थूं हेर उत्ते आ, तू ही सोच। ये बात तो मैंने सोची नहीं। मेरा ख्याल है यकीनन वो गुंडे अमान ने भेजे होंगे। कागज के टुकड़े इंसान को शैतान बना देते हैं। सायमा नहीं, वो आवाज कहो जो तुम्हारे फिल्म के खिलाफ उठने का हौसला रखती है। इतनी हैरत से क्या देख रहे हो? क्या तुम्हारे भेजे हुए गुंडों ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? मेरे गुंडे? हाँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, इसलिए कि मैं सायमा से जरा मुख्तलिफ हूँ, जिसे तुमने अपनी खुदगर्जी का निशाना बनाया था। मेरा नाम अफशा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब भाई चेहरा। चेहरा वही है अमान साहब, मगर मैं सायमा से जरा मुख्तलिफ हूँ। मैं उसकी चेहरा बहन, और मैंने अहद किया है जिस जिसने मेरी बहन पे जुल्म किया है उससे बदला लेकर रहूंगी, और तुम्हारा नाम मेरी लिस्ट में सर फहरिस्त है। और हाँ, इस धमकी को किसी कमजोर लड़की की आवाज न समझना, तुम्हें तड़पा थड़पा के ना मारा तो मेरा नाम आशा है। वो सायमा हो या आशा, मगर वो जो कुछ कर रही है ठीक कर रही है। मैं तुम्हें अम्मा जी ही मशवरा दूंगा कि जाकर उसको सारी हकीकत बता दो। ठीक कहते हो दोस्त, मैं अपने जमीर के मलानत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज ही जाकर उसे सारी हकीकत बता दूंगा। ये बड़े हैरत की बात है। मैंने तो अक्सर किताबों में पढ़ा है कि माँ के बाद खाला ही एक ऐसी हस्ती होती है जो बहन की औलाद को गोद में लेकर माँ ना होने का गम भुला देती है। ये दौलत बड़ी जालम तक क्रूर चीज है। ऐसी हवा जो है ना, वो इंसानों को रिश्तों नातों की पहचान भुला देती है। हजारों थाउजेंड एग्जाम्पल मौजूद है यहाँ पे कि दौलत ले पुत्र ने माँ को, भाई ने भैन को, खजम ने अपनी बीवी को मर्डर किया। मेरा बस चलेगा दुनिया के सारे नोटों को इकट्ठा करके मिट्टी का तेल डाल के तीनी दुहा दूँ, और ऐसे लोगों को भी साड़ दूँ जो इंसानियत का दर्जा भुला देते हैं। आप ठीक कहते हैं सरदार जी, मुझे बताइए मैंने दौलत की खातिर क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज मुझसे ज्यादा पशेमान कौन हो सकता है जिसकी खातिर ये सब खेल खेला। खुदा ने उसकी बहन को ही उससे छीन लिया। ऊपर वाला ऐसे ही तमाशे दिखाकर इंसान को सबक सिखाता है। अगर बहन न मरती तो शायद आपको अपनी गलती का एहसास कभी ना होता। हाँ अफशा, यही एहसास मुझे आपके पास लेके आया है। मैं आपका मुजरिम हूँ और हर सजा पाने के लिए तैयार हूँ। ओ पनिशमेंट तेनू सोना रब दे ही चुका है, अब पनिशमेंट उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने तेरे कमजोर कंधों में बंदूक रख के ना वो अपनी अफसर की पैंट सायमा को ठा किया। आपने जो कुछ कहा मैंने उसका यकीन कर लिया है इमाम साहब, लेकिन याद रखिए अगर ये कहानी झूठी निकली तो मैं आपको हर किस माफ नहीं करूंगी। ओ नहीं, ये शक्ल से ही मजरूम लगता है। कोई आदमी को सजा उसकी सेहत देख के देनी चाहिए है। वो फिर नाले अपना धर्म कहता है कि जड़ा आदमी अपनी गलती मान ले ना उसको माफ कर देना चाहिए, तो तुम भी माफ कर दो। तो अब तेरे वो लोग मुजरम हैं जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने की बजाय अपनी जीत का जश्न मना रहे हुए हैं।
खवातीनों हजरात, इस खुशी के मौके पर लोग अपने जज्बात के इजहार के लिए कीमती से कीमती तोहफे लेकर आए हैं। एक हकीर सा नजराना लेकर मैं भी आई। जब किसी से कोई इकरार वफा दिले दी ये
तो फुरेद है तो दिल में दबी हुई चंगारियों के भड़कने का तमाशा भी देखती जाओ। आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ साइमा, आज तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम्हारे गीत ने साबित कर दिया कि तुम साइमा हो, मेरी खोई हुई मोहब्बत। सलमान बेटे, ये साइमा नहीं, उसकी हम शक्ल बहन अफशा है। साइमा तो कब की मर चुकी। ये झूठ है मिजान, साइमा जिंदा है। मैं अपने भूल की काफी सजा पा चुका हूँ। साइमा मुझे तना छोड़ कर न जाओ। लेकिन मैं साइमा नहीं हूँ। नाम बदलने से शख्सियत नहीं बदल जाती साइमा। इस मतलब ही दुनिया में हर शय बदल जाती है सलमान साहब। इंसान बदल जाते हैं, मोहब्बतें बदल जाती हैं, वफा का म्यार बदल जाता है, प्यार बदल जाता है। और सिर्फ यही नहीं, पलक झपकते खून के रिश्ते तक बदल जाते हैं। मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझता हूँ साइमा, मगर फूल इंसानों से होती है। आप एक साजिश को फूल का नाम दे रहे हैं सलमान साहब। क्या आपको ये भी नहीं मालूम कि साइमा मरी नहीं थी, बल्कि उसे मारा गया था। कौन था वो संग जिसे तुम्हारे जिंदगी से खेलने की जरूरत की थी? जिस चिंगारी ने साइमा के दामन को चलाकर राख कर दिया, वो दबी ही रहे तो अच्छा है सलमान साहब। ही आग भड़क उठी तो कितने ही लोग जलकर राख हो जाएंगे। नहीं साइमा, आज तुम्हें बताना होगा। अरे भाई, इस खुशी के मौके पर ये क्या तकरार शुरू कर दी? खत्म करो इस खेल को। खेल कब शुरू होगा बेगम साहिबा? तुम यहाँ क्यों आए? अब तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक कहती हूँ बेगम साहिबा, इस घर से वाकई मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस कहानी से मेरा ताल्लुक बहुत गहरा है। कौन सी कहानी? साइमा की कहानी, जिसे आपकी सोच ने जन्म दिया, आपकी खुदगर्जी ने परवान चढ़ाया और आपके लालच ने जुल्म का शाहकार बना दिया। अमान, अपनी औकात में रहकर बात करो। मत भूलिए बेगम साहिबा, आज आपके सामने मजबूरियों में घिरा हुआ वो इंसान नहीं है जिसे आप चंद सिक्कों की बस खरीद सके। आज मैं सच की आवाज बन के आया हूँ, जो आपकी जुल्म के खिलाफ उठने का हौसला रखती है। अमान साहब, खुलकर बात कीजिए, मुझे बताइए सच क्या है। सच ये है बेटा कि ये शख्स धोखेबाज है, झूठा है और साइमा का कातिल। ये गलत है बेगम साहिबा, कत्ल हाथ नहीं करता, जहन करता है, और साइमा के कत्ल का मंसूबा आप दोनों ने मिलकर बनाया। बात सिर्फ इतनी है सलमान साहब कि मैं अपनी बीमार बहन की जिंदगी चाहता था और ये साइमा की मौत। बहन की मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है सलमान साहब, मेरे जगह कोई भी होता तो इनकी खुदगर्जी की भेंट चढ़ जाता। मैं मानता हूं कि मैंने जुर्म किया, लेकिन इस जुर्म के लिए मुझे किसने उकसाया? आपने। साइमा को रास्ते से हटाने के लिए मुझे किसने मजबूर किया? आपने। सलमान साहब, यकीन मानिए कि मेरा साइमा से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे साइमा का फर्जी शोहर बना के भेजा ताकि आपके दिल में नफरत जगाकर दौलत की एवज आपकी जिंदगी का सौदा कर सके। आपके चेहरे पर पसीना क्यों आ गया बेगम साहिबा? सुना है खैरतमंद तो अपने ही पसीने में डूबकर मर जाते हैं। जवाब दीजिए, क्या ये सच नहीं है? ये एक ऐसा गलीज झूठ था सलमान साहब, जिसे बेनकाब करने के लिए मुझे साइमा के वजूद को मिटाना पड़ा। इन्होंने तो सिर्फ उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, मगर सच ये है कि साइमा को खुद मैंने कत्ल किया। तुमने? लेकिन तुम तो, मेरा मतलब है, हैरान होने की जरूरत नहीं सलमान साहब। साइमा साइमा बनकर जिंदा रहती तो उसके अपने रिश्तेदार उसे जीते जी मार देते। ये सच्चाई कभी सामने ना आती, उस पर लगा हुआ इल्जाम कभी ना मिटता। मैंने उस बुस्ती और कम हिम्मत लड़की का गला खोड़ दिया, उसकी मजलूमियत खत्म कर दिया, उसकी बेबसी को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। वो इस दुनिया में जीने का फन नहीं जानती थी सलमान साहब। मैंने उसकी रूह को अफशा का जिस्म दिया, जो जुल्म की किसी भी जर्फ से पाश पाश नहीं हो सकता। जिस मकसद के लिए मैंने अफशा बनने का ढोंग रचाया था, वो आज पूरा हो गया सलमान साहब। और इसके लिए मैं अंकल बलदेव सिंह की बेहद शुक्रगुजार हूँ। बाकी मुझे बलदेव सिंह ना बोल,
जब सब कुछ खुल खुल आ गया तो मुझको भी खोल। अवधीन हजरात, मैं बलदेव सिंह नहीं बल्कि मुझे लईकस्तर कहते हैं। इस सारे खेल में तो मुझे सिर्फ साइमा बेटी की निगहबानी का फर्ज सौंपा गया था, सारा क्रेडिट तो दादी जान को जाता है। अगर ये मदद ना करती तो कुछ भी मुमकिन ना था। दादी जान आप जानती थी कि साइमा जिंदा है? हाँ, मैं सब जानती थी, मुझे सब इल्म था। मैंने ही साइमा के दिल में यह अस्म जगाया था कि झूठ को बेनकाब करते। अगर ऐसा ना होता आंखों के पर्दों पर पड़ी हुई धुन कैसे छटती, ये दाग कैसे धुलता, जो इस मखलूम पर किसी गैर ने नहीं अपनों ने लगाया था। ये है ऊंची सोसाइटी के लोग, इनको दिल से नहीं दौलत से मोहब्बत है, दौलत से मोहब्बत है। इनके नजदीक हर चीज का मयार दौलत है। इन्हें जुनून है बड़ी बड़ी कारों में घूमने का, बैंक बैलेंस बढ़ाने का और रंग रलियां मनाने का। ये दौलत के पुजारी ये नहीं जानते कि इंसान को पहचानने के लिए दौलत नहीं उसकी शराफत और किरदार की जरूरत होती है। हमसे भूल हो गई है मीरा, हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। सलमान बेटी, माफ पुकारिए मुझे बेटा कहकर। आपके दिल में ममता का जज्बा होता तो वो आप अपने बेटे की खुशी पर बात न करती। मुझे माफ कर दो बेटे। बात को माफ कर दू? आपके चेहरे पे ममता का दूर नहीं दौलत का गरूर है। इसे भी देखिए, ये भी आपका खून है, ये भी आपके प्यार की हकदार है। लेकिन आपने से क्या दिया, सिर्फ आंसू। साइमा बेटी, हमें माफ कर दो, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए खाला जान, मुझे किसी से कोई गिला नहीं। साइमा को रोक लो सलमान, कहीं वो कुछ कर ना बैठे। अगर इस दफा तुम्हारी मोहब्बत बिछड़ गई तो तुम जीते जी मर जाओगे। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, मोहब्बत ही जिंदगी का असली रूप है।